हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पटल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अनुकूल भविष्य के लिए केवल प्रार्थना करना और इसके लिए मनचाही आशा करना ही पर्याप्त नहीं, हमें दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ काम भी करना चाहिए। अपनी पिछली की हुई गलतियों को समझ कर, सीख कर, उसे स्वीकार कर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, तो हमें निश्चित ही ईश्वर से कृपा प्राप्त होगी। हमारा जीवन आकस्मिक घटनाओं से भरा पड़ा है। जब हम सुख में सब कुछ भुला देते हैं तो अचानक हमारा सुरक्षा कवच हट जाता है और हम कट चुनौतीपूर्ण स्थिति हमारे सामने आ जाती है। इसीलिए हर परिस्थिति में जागरूक होने की आवश्यकता होती है। एक सेकंड के लिए भी ईश्वर को ना भूलें। घर बाहर काम पर हमेशा एक बात सुनी जाती है, ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से चलो, ध्यान से काम करो आदि आदि। लेकिन सच्ची श्रद्धा में प्रेम, विश्वास, धैर्य, सावधानी और समर्पण समाविष्ट है। इन सब के मिलने पर ही जागरूकता में पूर्णता आती है। महाविद्यालय में की जा रही बीएड छात्राध्यापिकाओं द्वारा यह सुंदर प्रार्थना सुनिए। करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।